कोतवाली क्षेत्र में 100 रुपए के लेन देन को लेकर दुकानदार द्वारा ग्राहक व उसकी पुत्री व पत्नी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी, लेकिन यहां उसकी कोई सुनवाई न होने के चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर मौजूद यही पीड़ित है, जिसके साथ 100 रुपए के लेन देन को लेकर बुरी तरह मारपीट की गई। बता दें, पूरी घटना थाना कुरावली क्षेत्र से जुड़ी है। यहां थाना ओछा ग्राम पड़रिया चौराहे निवासी लेखपाल सिंह पुत्र श्री कृष्ण अपनी पत्नी और पुत्री के साथ कुरावली में धान बेचने गया था और यहां उसने एक दुकानदार से सामान की खरीदारी की, जिसमें दुकानदार पर 100 रुपए अधिक चले गए। जब पीड़ित ने दुकानदार से 100 रुपए की मांग की तो दुकानदार द्वारा पीड़ित व उसकी पत्नी और पुत्री के साथ गाली गलौज करते हुए बुरी तरह मारपीट की गई। घटना की तहरीर पीड़ित ने थाने पर दी। यहां जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो परेशान होकर पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है और क्या कुछ बताया, यह जरा आप भी सुनिए। लेखपाल सिंह, लेखपाल जी, आप परिवार के साथ आए हैं, कौन परेशान कर रहा है, क्या नाम है इसका? श्री कृष्ण। क्यों कर रहा है, क्या बात हो गई थी? हम गए थे धान खरीदने कुरावली, तो वहाँ पे मैं लोगों ने धान खरीदा। धान खरीदने के बाद घर चले आए। घर आने के बाद एक दो दिन के बाद इसने मांगे हमसे रुपए, हिसाब लगा के। ये कहा कि मेरे रुपए वहाँ पर ज़्यादा चले गए, 100 रुपए। मैंने कि मैं क्यों दूँ उसको 100 रुपए, अपने दुकानदार से ले जाके भाई। तो 100 रुपए ज़्यादा अधिकतम का हिसाब, 100 रुपए के पीछे विवाद कर रहा है। वो दुकानदार के पास उसके चले गए। फिर क्या हुआ? उसने बोला तू देगा तेरे मरे गए बाप दे देंगे। अच्छा, फिर क्या घटना करी? ये बात मैंने जब मना किया तो मुझे मारा पीटा वहाँ पे बाइक। फिर मार पीट के बाद मैं जब चौकी की तरफ गए तो मेरी मोटरसाइकिल घेर के वहाँ पे हम तीन लोग थे, ये जो अभी यही थे, तो तीनों लोगों को डार के मारा और मोटरसाइकिल तोड़ दी। मोटरसाइकिल फोड़ी। चौकी गए, थाने गए, कुछ शिकायत सुनवाई हुई कि नहीं हुई? आसपास की खबरों को देखने के लिए पब्लिक पाइप ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।